इसका नाम है किंग फिशर टावर्स और यही है विजय माल्या की पूरी बिल्डिंग। आप कभी सोच सकते हो बिल्डिंग के ऊपर विला खड़ा किया है विजय माल्या ने। सबसे टॉप फ्लोर पर है ना विजय माल्या का घर है, जो कि टू फ्लोर्स का उसने पूरा विला बना के रखी है टेरेस के ऊपर ही। विजय माल्या का घर है इधर? विजय माल्या का घर है, विजय माल्या नहीं है, वो नहीं रहता अभी तो, मतलब घर है या बेच दिया किसी को। लेकिन फिर उनकी एक गलती की वजह से ना उनका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 2005 में उनके बेटे के बर्थडे पर उन्होंने ना किंग फिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। कम रेट्स में काफी लग्जरियस चीजें देते थे, यूके में वो कई बार रोड पर दिखाई देते, आप ये वीडियो क्लिप्स में देख सकते हो। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, मैं जज को जवाब दूंगा। हाय गाइस, अभी हम लोग है ना बैंगलोर में है और मैं आज आपको है ना विजय माल्या की बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। ये जो आप मेरे पीछे ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका नाम है किंग फिशर टावर्स और यही है विजय माल्या की पूरी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के है ना टॉप फ्लोर पर विजय माल्या ने अपना है ना टू फ्लोर्स का विला बना के रखा है। आप कभी सोच सकते हो बिल्डिंग के ऊपर विला खड़ा किया है विजय माल्या ने, जो कि है ना 150 करोड़ रुपीज प्राइस है वो विला की। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आपको ये बिल्डिंग की सारी डिटेल्स देता हूँ, ये बिल्डिंग अंदर से कैसी है मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये देखो यही है किंग फिशर टावर और यहीं पर है इसका मेन गेट। आप देखो वहाँ पर सामने ये लॉबी बनाई गई है, जो कि बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए काफ़ी बड़ी ऐसी लॉबी भी यहाँ पर बनाई गई है। आगे यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनस है और फिर देखो यहाँ पर जो भी रेजिडेंट्स हैं ना वो लोग की यहीं से एंट्री एग्जिट होती है, और रेजिडेंट्स हैं ना आज के टाइम भी यहाँ पर रह रहे, सिर्फ यहाँ पर विजय माल्या नहीं रहता है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग की जगह जो है ना, ये विजय माल्या की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर ही ये बिल्डिंग खड़ी की गई। और फिर ये है ना, ये 34 फ्लोर्स की है ना, ऐसी तीन बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी की गई है, जो कि यहाँ पर विजय माल्या के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ये खड़ी की थी। और फिर इसीलिए विजय माल्या को भी है ना यहाँ पर टॉप फ्लोर पर ये पेंट हाउस दिया, जिसको व्हाइट हाउस भी बोलते हैं अपने बैंगलोर का। पूरी बिल्डिंग के अंदर है ना 81 फ्लैट्स है 4 BHK के, और ये है ना करीब 41,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर हेलीपैड भी बना के रखा हुआ है और वो उस विला के सामने ही है ना, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना के रखा है। और ये विला की भी है ना एक प्राइवेट लिफ्ट भी है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो लिफ्ट जाती है ना, ये सिर्फ यहाँ पर ये पेंट हाउस को कनेक्ट करती है और भी ये बिल्डिंग के फ्लैट्स को है ना कनेक्ट नहीं करती है। फिर यहाँ पर जब ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई ना, तो इसके बाकी के जो फ्लैट्स है ना वो तो फिर यहाँ पर दूसरे लोगों के सेल के लिए अवेलेबल थे, लेकिन जो ऊपर की वाली विला थी ना वही सिर्फ यहाँ पर विजय माल्या की थी, और ऊपर वाली विला में विजय माल्या रहा करता था, और फिर नीचे वाले फ्लोर्स में बाकी के जो यहाँ पर जिन्होंने घर खरीदे वो लोग यहाँ पर रहते थे। हाँ, अभी भी विजय माल्या का घर है इधर? विजय माल्या का घर है, विजय माल्या नहीं है, वो नहीं रहता अभी नहीं। तो मतलब घर है या बेच दिया किसी को? विजय माल्या को ना अपनी ये पूरी प्रॉपर्टी और अपना सारा बिजनेस है ना विरासत में मिला था। उनके जो फादर थे विट्ठल माल्या, और ये हम जो रोड पर खड़े हैं ये रोड का नाम भी है ना विट्ठल माल्या रोड ही है, जो कि उनके फादर के ऊपर से पड़ा है। 1946 में उनके फादर ने यूनाइटेड ब्रेवरीज जो यूबी कंपनी थी उसमें कुछ शेयर्स खरीदे, फिर धीरे धीरे जाकर वो कंपनी के डायरेक्टर बने, फिर धीरे धीरे जाकर उन्होंने वो पूरी कंपनी एक्वायर कर ली। फिर 1970 में आते आते उन्होंने अपना बिजनेस काफी एक्सपांड किया, फूड इंडस्ट्री में आए वो लोग, पॉलीमर में आए, बैटरीज में आए, ऐसी कंपनीज में वो लोग ने अपना बिजनेस एक्सपांड किया उनके फादर ने। फिर करीब जाकर है ना 1983 में जाकर है ना उनके फादर की डेथ हो गई, और फिर उसके बाद जाकर है ना जो विजय माल्या तभी 28 इयर्स के थे, तभी उन्होंने जाकर है ना अपना ये पूरा बिजनेस संभाला उनके फादर का। और फिर उनके बाद जाकर है ना उन्होंने विजय माल्या ने भी अपना काफ़ी सारा बिजनेस एक्सपांड किया बाकी के इंडस्ट्रीज में, जैसे बॉलीवुड मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, केमिकल्स और बैटरीज। फिर है ना ये सारे बिजनेस तो विजय माल्या के ज़्यादा चले नहीं, लेकिन फिर उनका एक ब्रांड था किंग फिशर, जो कि अल्कोहल बनाता था, वो ब्रांड है ना उनका सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और काफ़ी ज़्यादा चलने भी लगा। तब तक है ना विजय माल्या की टर्नओवर है ना करीब 300 करोड़ रुपए हो गई। किंग फिशर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपनी एक IPL टीम भी खरीदी, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी थी, और ये देखो ये टावर भी बैंगलोर में ही है, तो वो भी लोकेटेड थे बैंगलोर में ही। लेकिन फिर उनकी एक गलती की वजह से ना उनका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो करीब 2005 में आते आते ना उन्होंने अपना बिजनेस एयरलाइंस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने की सोची, और 2005 में उनके बेटे के बर्थडे पर उन्होंने ना किंग फिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। ये किंग फिशर एयरलाइंस है ना वो काफ़ी कम रेट्स में काफ़ी लग्जरियस चीज़ें देते थे, जैसे ऑन बोर्ड फूड देते थे, लाइव एंटरटेनमेंट देते थे, अल्कोहल सर्व करते थे अपने प्लेन में। जैसे ना उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा तो आता ही था, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन्स लिए बैंक से। अरे इसके एयरक्राफ्ट खराब हुए, फिर उसको रिपेयर करवाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग चली गई,
फिर ऐसे करते करते ना ये किंगफिशर एयरलाइंस में वो लोग ने उसकी प्राइजेस बढ़ाना स्टार्ट की। जैसे ही प्राइजेस वो लोग ने बढ़ाई ना, तो यहाँ पर उनकी टिकट्स यहाँ पर सेल आउट होना कम हो चुकी थी और यहाँ पर उसके ट्रैवलर्स भी कम हो चुके थे। वहाँ से जाकर है ना उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया किंगफिशर एयरलाइन का। करीब 2012 में आते आते ना फिर उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन अपनी बंद कर दी और तब तक है ना उनकी 9,000 करोड़ उनके ऊपर कर्ज हो चुका था। करीब 2015 में आते आते ना उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया। फिर काफी बैंक्स ने उनके साथ मीटिंग फिक्स करी और वो मीटिंग्स में कुछ बात बनी नहीं बैंक्स की यहाँ पर पैसे रिटर्न लेने की। फिर 2016 में ना विजय माल्या इंडिया छोड़कर चले गए यूके में और फिर आज तक वो यूके में ही है। यूके में वो कई बार रोड पर दिखाई देते, आप ये वीडियो क्लिप्स में देख सकते हो। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, मैं जज को जवाब दूंगा। काफी सारी प्रॉपर्टीज थी गोवा में, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को सीज करके सेल कर दिया और उसमें से 80% कर्ज वो लोग ने ना निकाल दिया। यही कुछ जर्नी रही विजय माल्या की। और ये देखो ये आलिशान टावर भी है ना, उन्होंने यहाँ पर बनवाया था और ऊपर भी पेंट हाउस है ना आज के टाइम पर तो खाली पड़ा हुआ है उनका, अभी कोई रहता नहीं है ऊपर के पेंट हाउस। देखो हालांकि विजय माल्या ना एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन भी थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ऐसे उनके अमीर शौक थे उसकी वजह से वो काफी ज्यादा डूब गए आज के टाइम में। वाला ब्लॉग है ना हम यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम, goodbye.